अरे कानून कैसा कानून बनाते हैं सरकार, अरे कानून जो है ना लोगों के हित में होना है, जो लोगों का खिलाफ जो कानून है वो कानूनी होता ही नहीं। आज वो सिर्फ दो आदमियों के हित में काम कर रही है, एक अदानी और एक अंबानी। पूरे कार्मिक वहाँ पे जो काम करते थे लेबर लोग, आज फांसी डाल के मरने की नौबत आई है। हम खंडन करते हैं इनका जो कानून बना है, उनको खंडन करते हैं हम। आज पूरे भारत देश में 2,43,000 छोटे मोटे कारखाने बंद हुए हैं। This video present by Mannur Multi Speciality Hospital, highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24/7 at Bale Hills Circle Ring Road, Gulbarga. गुलबर्गा जिले के आज डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो INTC इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जानिब से आज जो हमारे को जो अधिकार चला रही है सेंट्रल की सरकार और राज्य की सरकार, जो करीब 100-150 साल से जो 8 घंटे का जो कानून था, आज स्टेट की गवर्नमेंट उस कानून को 8 घंटे से 12 घंटे का करने का कानून आज बम्बई सरकार की BJP वाली सरकार आज कानून जारी कर रही है। उसके साथ में जो दिन में ही महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है, उसको सरकार उस कानून उसके उनके जो लेडीज़ों को रक्षणा नहीं दे रही, आज उसके साथ में आज ये सरकार महिलाओं को रात की ड्यूटी लगाने के लिए ऊपर तुली हुई है। उसके लिए आज हम INTC के तरफ से जो इनकी कार्मिक विरोधी नीति है, लेबर विरोधी नीति है, उसको हम आज खंडन करते हुए आज INTC जिला समिति की ओर से आज क्या है, आज एक एजिटेशन किया है। आज हम पूछते हैं उस सरकार से कि आप सही माने में किसानों के और कार्मिक के हित के लिए और जन सामान्य के हित के लिए सरकार चला रहे हैं? नहीं है भाइयों, आज ये लोग किसानों के खिलाफ में 3 कानून लाए और आज लेबर के कानूनों के खिलाफ में कानून ला रहे हैं। आज पूरे भारत देश में 2,43,000 छोटे मोटे कारखाने बंद हुए हैं, वो कारखाने को चालू करने के लिए कोशिश नहीं कर रही है सरकार। आज गुलबर्गा जिले के CCI कुरकुंडा शाहबाद की जो 1921 में जो स्टार्ट हुआ था ACC सीमेंट JP सीमेंट आज कारखाना और ABL पूरे कर्नाटक में एक ही इंजीनियरिंग फैक्ट्री थी अल्स्टाम, जो आज GA बोल के बुलाते हैं, वो कारखाना 3 साल हुआ बंद हुआ। आज शाहबाद की परिस्थिति ऐसी है, पूरे कार्मिक वहाँ पे जो काम करते थे लेबर लोग आज फांसी डाल के मरने की नौबत आई है। उसके बारे में सरकार कौन सी भी विचार नहीं करती और आज के दिन में जो सरकार लेबर के हित में जन सामान्य के हित में बात करने वाली सरकार आज गैस का 50 रुपये रेट बढ़ा दिए, गैस के साथ में पेट्रोल डीजल आज ये पूरे जो गरीब तबके को आज खाने के लिए दौड़ रही है। उसके लिए आने वाले दिनों में जो 2024 में और अब के बार जो 2023 में असेंबली इलेक्शन है, 2024 में पार्लियामेंट इलेक्शन है, हम उन लोगों से विनती करते हैं, गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो किसानों के खिलाफ में कानून लाती है, लेबर के खिलाफ में कानून लाती है, आज मजदूरों को घर से बेघर कर रही है, वैसी जो सरमायेदारों के हित में काम करने वाली सरकार के खिलाफ में वोट दो, क्योंकि आने वाले दिनों में आज हमारे देश में 1,40,000 करोड़ लोग आज भरोसा किए थे कि मोदी की आज लेबरों के हित में, कानून के हित में, जन सामान्य के हित में कुछ काम करेगी बोल के। नहीं दोस्तों, आज वो सिर्फ दो आदमियों के हित में काम कर रही है, एक अदानी और एक अंबानी। आज उनके हित में कानून लाना चाहती है, उनके फेवर में कानून लाना चाहती है। उसके लिए आने वाले दिनों में जो BJP की सरकार की नेतृत्व से NDA गवर्नमेंट को हराना है और आने वाले UPA गवर्नमेंट को जिताना है, क्योंकि आज लेबर के खिलाफ में, युवजन के खिलाफ में और महिला के खिलाफ में जो सरकार है उसको आज कंडम करते हुए आने वाले दिनों में क्या है,
लेबर की सरकार को लाने के लिए, जन सामान्य सरकार को लाने के लिए, और ये जितना जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो आसमान को छू रही है, वो आसमान को जो रेट छू रही है उसको आज ज़मीन पे लाके आज पूरे तबके के फेवर में आने वाली सरकार को वोट डालना बोल के मैं ये आज के ये जो आज एजिटेशन किया है उसके जरिए से आप लोगों को विनंती करता हूँ। आज के ये 2 तारीख के मार्च के दिन हम लोग एक INTUC का तरफ से एक स्ट्राइक, एक संघर्ष हम आज प्लान किया था। वो संघर्ष के हिसाब से हम लोगों ने आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल में हम लोग ऑलरेडी एजिटेशन किया है। उसके ज़रिए से हम लोगों को तो ये सरकार कैसा सरकार है, अभी जो केंद्र में जो BJP सरकार है और हमारे राज्य में भी BJP सरकार है। अब रिसेंटली ये एक हफ्ता पहले जो राज्य सरकार ने एक कानून पास किया है, वो उसका कानून के जरिए जो काम करने वाला कार्मिक लोग जो 8 घंटे से जाके अभी 12 घंटे कर दिया। अरे कानून कैसा कानून बनाते हैं सरकार, अरे कानून जो है ना लोगों के हित में होना है। जो लोगों का खिलाफ जो कानून है वो कानूनी होता ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ और ये शर्मादार लोग, ये कैपिटलिस्ट लोग और अदानी अंबानी जैसे जो ऐसा लोगों का फेवर में जो कानून बनता है, ये जो है ना ये गवर्नमेंट ये मालूम होता है कि ये बिल्कुल बिल्कुल जो है ना लोगों का फेवर में का ये सरकार नहीं है। इस सरकार को हम लोगों ने आज तो हम खंडन करते हैं, इनका जो कानून बना है उनको खंडन करते हैं हम। और यह इसी तरीके से पहला 1-2 साल पहले किसान लोगों के लिए भी कानून किया था, जो दिल्ली में पूरा किसान लोग 1 साल तक जो है ना बैठ के उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखे और आखिरी में केंद्र सरकार उसको मजबूरन वापस लेना पड़ा। इसी तरीके से हम लोग आज पूरा कार्मिक लोग इकट्ठा होके हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ना होगा। इसीलिए हम ये जरिए से पूरे इंडिया में जितने भी कार्मिक संगठन हैं उनको मैं इनविटेशन देता हूँ, इत्तला देता हूँ कि आप लोग तैयार हो जाओ। जो एक गवर्नमेंट, एक केंद्र और राज्य सरकार ऐसा मानने वाला सरकार नहीं है।